नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लिए वन विभाग में वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, वन विभाग हिमाचल प्रदेश की, और बहुत ही अच्छी जॉब है आप लोगों के लिए। ये हिमाचल प्रदेश की फॉरेस्ट गार्ड की जॉब है रिक्रूटमेंट 2021 के लिए। दोस्तों यहाँ पे बता दूँ 311 यानी 311 केवल वैकेंसीज यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की, और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज हैं, पहले इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ HP हिमाचल प्रदेश की फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। 311 केवल यहाँ पे पद हैं। आप लोगों बता दूँ 6 जुलाई से लेकर आप लोग 19 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके। यहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है, मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताऊँगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट है, पोस्ट का नाम आपका फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है। 311 केवल यहाँ पे पोस्ट है, और यहाँ पे 6 जुलाई से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लास्ट जुलाई इसकी 9 अगस्त है। ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन मोड है, कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है, जॉब लोकेशन हिमाचल प्रदेश रहेगी। hpforest.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉरेस्ट गार्ड का रिक्रूटमेंट जो है नोटिफिकेशन जो है PDF मैंने दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट 5 जुलाई को रिलीज़ होएगा, और यहाँ पे आपका जो डेट है एप्लीकेशन की सबमिशन की, आप लोग 16 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रूटनी का फॉर्म जो रहेगा आपका, अगर कोई गलतियाँ हो जाती हैं तो वो 20 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक रहेगा। इसके बाद जो फिजिकल टेस्ट रखा गया है वो 9 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक रखा गया है। यहाँ पे कैरिंग फिजिकल जो टेस्ट होगा आपका 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक होगा, और यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा और रिटर्न टेस्ट के लिए आपका वो 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो आपका इंटीमिनेशन होगा आपका सर्कल UHF नॉनी और हेडक्वार्टर रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर रिक्वायर्ड के लिए, तो वो आपका 26 अक्टूबर 2021 तक यानी कि 26 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। उसके बाद रिटर्न टेस्ट की आपकी OMR शीट जो होगी 31 अक्टूबर तक आपकी मिल जाएंगी। इसके बाद आपको जो आप रेज कर सकते हो ऑब्जेक्शन में, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, जो आपकी OMR शीट में कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है, उसके लिए आप रेज कर सकते हो क्वेश्चन कि ये गलत है, 1 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आप लोग शिकायत कर सकते हो। इवैल्यूएशन इसके बाद कंपाइलेशन जो आपका फाइनल होगा वो 6 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक होगा। इसके बाद जो कलेक्शन ऑफ रिजल्ट होगा आपका वो 16 नवंबर से लेकर आपका 19 नवंबर तक होगा। फाइनली आपका वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा 20 नवंबर 26 नवंबर के बीच में, ठीक है। और इसके बाद आपका इसी तरीके से अदर पैरामीटर्स के लिए सर्टिफिकेशन इवैल्यूएशन के लिए भी आपका 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक बुलाया जाएगा। फाइनली आपकी कंपाइलेशन मेरिट लिस्ट लगेगी दोस्तों 4 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। यहाँ पे इसका आपका PDF देख लेना, PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से। और मैं इसके बारे में वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे बिलासपुर में 30 है, चांबा में 15 है, धर्मशाला में 57 है, ठीक है, चांबा में 15 है, और लाइमीरपुर में आपकी 37 है, 37 यानी कुल्लू में आपकी 30 है और 30 है, मंडी में 35 है, 35 है, और आपकी नलुई में आपकी 20 है, रामपुर में आपकी 23 है, 23 है यानी शिमला में 24 है, सोलान में आपकी 17 है, WL शिमला में आपकी 15 है, और शाला में आपकी 3 है, GHNP में आपकी जो आपकी शानशी में होता है 5 है, और टोटल वैकेंसी आपकी 311 है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों इस तरीके से रखा गया है, केवल इंटरमीडिएट यानी 12वीं मांगी गई है एजुकेशन में, केवल 12वीं हो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को फिजिकल क्राइटेरिया इस तरीके से रखा गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाइट जो मांगी गई है दोस्तों यहाँ पे आपका अगर मेल है 165, फीमेल के लिए 150। चेस्ट जो मांगी गई है एक्सपेंशन में 84 सेंटीमीटर मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं मांगते वैसे, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है ऐसा कुछ होता नहीं है, 79 बताया गया है। चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन 79 मेल्स के लिए होता है, 74 फीमेल्स के लिए मांगा गया है। रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे 100 मीटर तक आपको दौड़ाया जाएगा मेल्स को 14 सेकेंड में, उन्हें भागना होगा 100 मीटर, फीमेल्स को यहाँ पर 2.45 मिनट तक आपको भागना पड़ेगा, ठीक है, 2.45 मिनट तक आपको 100 मीटर आपको कवर करने पड़ेंगे। वहीं 800 मीटर 800 मीटर आपको जो मेल्स होंगे उन्हें 20.45 सेकंड में आप उनको कवर करने होंगे, ठीक है, 800 मीटर। वहीं अगर जो लड़कियां होंगी उनको 800 मीटर जो होगा 4.15 मिनट में कवर करना होगा। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है मैं दे दूंगा, एक्टिवेट हो जाएगा आपका 5 जुलाई से, इसी में ही मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के अंत में, मेरे डिस्क्रिप्शन से देख लेना कैसे आवेदन करना है। विजिट करना है आपको हिमाचल प्रदेश की साइट में, और आपको ये सर्च करना है हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ 311 यानी 311 फॉरेस्ट गार्ड का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। यहाँ पे अप्लाई करना अगेंस्ट नोटिफिकेशन और अप्लाई कर सकते हो आप लोग, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसको सबमिट करना, फाइनली सबमिट कर देना, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपका 19 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा
इसका लिंक रिलीज हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा 5 जुलाई से। तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी जॉब है ये, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे आपको काम करने का, और यहाँ पे आगे भी अच्छा खासा काउंट होगा। और ये कई बार ऐसा होता है, ये नहीं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, कई बार आपने देखा होगा बहुत सी भर्तियाँ ऐसी आती हैं जो डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आती हैं, पर कुछ टेनर बाद वो उनको परमानेंट कर देती है। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी वैकेंसीज़ हैं, और हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट भी उनमें से एक है। आशा करते वीडियो अच्छी लगी हुई। वन विभाग की वैकेंसी थी हिमाचल प्रदेश की। अन्य राज्यों की वैकेंसीज़ भर्तियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्री स्टडी मटेरियल पूरा फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करता हूँ फ्री में नोट्स देने की, और यहाँ पर हमारे चैनल में आपको सब कुछ मतलब फ्री में मिलेगा, कोई आप चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, वो आपकी मर्जी है। धन्यवाद, बहुत बहुत हमारी वीडियो देखने, शुक्रिया।